कुछ दिन पूर्व बेमौसम बरसात की वजह से राज्य सहित रामटेक क्षेत्र के किसानों का भी नुकसान हुआ है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने रामटेक क्षेत्र के खेतों पर जाकर मुआयना किया। आशीष जायसवाल ने मांग की है कि सभी किसानों को पूरी तरह से मुआवजा दिया जाए। आने वाले जनवरी 22 को देश के और दुनिया के सभी लोगों का ध्यान है कि अयोध्या का राम मंदिर जो इतने संघर्ष के बाद हमें मिला है उसका लोकार्पण होने जा रहा है, और आप सभी जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान ही तो पूरे दुनिया में भगवान श्री राम को मानने वाले, उनके मार्ग पर चलने वाले भक्त है। सरकार ने आज तक कई तीर्थ क्षेत्रों को पैसा दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के अयोध्या के रूप में रामटेक को विकसित करने की मांग मैंने कल सदन में उठाई, और आज तक पिछले 1960 से कोई भी मुख्यमंत्री रामटेक के मंदिर में दर्शन करने नहीं आया, और विद्यमान मुख्यमंत्री जो मेरे साथ 3 बार अयोध्या गए थे और जिन्हें श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, उन्हें मैंने विनंती की कि आप 22 तारीख के पहले रामटेक में आकर प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन दें। भगवान राम रामटेक में 2 बार आए थे, आप 1 बार तो आइए, कुछ पल तो बिताइए, ऐसी विनंती मैंने उनसे की। और कई अड़चनें हैं, कोर्ट का रिसीवर है रामटेक में, ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट बनाई जाए, दूसरा फॉरेस्ट की लैंड है तो थोड़ा सा हमें निधि खर्च करने में परमिशन में उस फाइनेंशियल ईयर में पैसे नहीं खर्चा हो पाते, आर्कियोलॉजी की अड़चन है, स्टेट आर्कियोलॉजी के असंख्य मॉन्यूमेंट्स है, भारतीय पुरातत्व ऐसा है इसके भी असंख्य मॉन्यूमेंट्स है। इन सारे तकलीफों को ध्यान में रखते हुए रामटेक का विकास अयोध्या की धरती पर किया जाए, जिस तरह से योगी जी ने अयोध्या को बदल दिया उस तरह से एकनाथ जी शिंदे ये महाराष्ट्र की अयोध्या रामटेक के विकास करके उसका पूरा रूप बदल दे, ऐसी मांग मैंने की, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो रामटेक आएंगे, भगवान राम का दर्शन लेंगे, और जो सरकार का वनवास था वो वनवास श्री राम के प्रति था वो खत्म होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ।